हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। और एज यूजल मॉर्निंग का टाइम है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो घर एकदम सा खाली सा हो जाता है, तो अच्छा भी नहीं लगता है। चार पाँच दिन की छुट्टियाँ थी और फिर जब वो चार पाँच दिन की छुट्टियों के बाद जाते हैं तो थोड़ा फील तो होता है, थोड़ा सा है ना, अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि घर जो होता है हमेशा बच्चों से ही खिला खिला सा लगता है ना, है ना। जैसे बगीचा, जैसे गार्डन होता है वो फूलों से खिला हुआ अच्छा लगता है, तो ऐसे ही घर भी बच्चों से ही भर, बच्चों की शरारतों से, बच्चों की बातों से, बच्चों से ही भरा भरा सा और अच्छा लगता है। बच्चों के लिए आज पास्ता बनाया था, तो उनकी फर्स्ट डिमांड जो होती है वो पास्ता ही होती है, तो उनको बहुत पसंद है। और अब यहाँ पे मैंने छोले जो रखे थे, छोले जो है रात को भिगो के रख दिए थे, अब इसको बॉयल कर दूंगी। पहले ही थोड़े बहुत बर्तन है जो बच्चों के लिए टिफिन वगैरह बनाया था ना, तो पहले इन्हें धो देती हूँ। सबसे पहले कूड़े को बाहर किया जाए। और अब इधर सबसे पहले मैंने यहाँ पे छोले जो है वो धो दिए अच्छे से, दो तीन पानी से अच्छे से वॉश कर दिए। और इसमें मैंने आलू भी डाल दिया है, तो आलू भी इसी के साथ बॉयल कर दूंगी। तो ये पानी मैंने इसमें मिला दिया है। और अब यहाँ पे मैंने लिया है एक पुराना कॉटन का जो हैंकी था साफ धुलावा, तो वो मैंने ले लिया है। और वो इस साथ में ली है चाय पत्ती, पोटली सी बना के इस चाय पत्ती की इस पानी के साथ ही बॉयल कर दूंगी। तो ये मैंने बना ली है एक पोटली इसकी, और ये मैंने रख दिया है इसको बॉयल करने के लिए। अब जितनी देर में बॉयल होगा उतनी देर में मैं बाकी काम कर लूंगी। और अब यहाँ मैं मॉर्निंग के जो बर्तन थे वो धोने लगती थी, तो उनको जमा करके नहीं रखती, क्योंकि अगर उनको इस तरीके से रखते जाएंगे तो अपने लिए ही मुश्किल होगा, क्योंकि वो फिर बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और देखो ये बर्तन मैंने धो दिए थे, और इधर मैं जितनी बार बर्तन धोती उतनी बार अपने सिंक को बिल्कुल मांझ के दोबारा से साफ कर देती हूँ। जितनी बार बर्तन धोऊंगी इसलिए मेरा सिंक जो है हमेशा ऐसे ही चमकता रहता है, नया जैसा ही लगता है, जबकि काफी पुराना है। मैंने छोले रखे हैं वो उनमें सीटी आ गई है, तो तीन चार सीटी आई है और अब मैंने इसको सिम कर दिया। बस अभी सिम से अच्छे से बॉयल हो जाएंगे, करीबन 15-20 मिनट इनको ऐसे रखूंगी। और अब मैं डस्टिंग करने लग गई थी, तो डस्टिंग करने के लिए देखो मैं स्टूल ले आई हूँ, क्योंकि ये जो आज मैंने कहा ये जो मेरा शोकेस है ना, अलमारी, तो बाकी तो साफ हो जाते हैं, लेकिन ये जो यहाँ पे ये टॉयज वगैरह ये थोड़े शोकेस रखे हुए हैं, तो इनको मैंने कहा जरा ये गंदी हो रही थी, ये वाली जो है रैक जो है ये गंदा हो रहा था, तो मैंने कहा चलो इसे साफ कर दूं। तो इसके लिए जरूरत होती है स्टूल की, क्योंकि इतनी हाइट नहीं है कि यहाँ तक पहुंच जाए, है ना। और ये देखो मैं दिखाती, काफी गंदा भी हो रहा है। तो आज इसको झाड़ू पोछा करने, झाड़ू से पहले मतलब झाड़ू लगाने से पहले ये वो ठीक साफ हो जाएगा। और यहाँ देख रहे होंगे कितनी मिट्टी है, ये देखो पूरी मिट्टी उंगली में नजर आ रही है ना, तो ये पूरी डस्ट है। तो इसके लिए पूरा पहले मुझे ये शोकेस जो है खाली करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इसको पूरा खाली कर दूंगी, और इसमें जो ये टॉयज वगैरह रखे हैं इन्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। तो ये मैंने देखो पूरा खाली कर दिया है, और इस पे धूल देख सकते हैं, बल्कि यहाँ पे जो चल रखा था उसने अपना निशान तक बना दिया। देखो इतनी धूल है कि ये एरिया में जो सामान रखा था वो एरिया साफ है, बाकी देखो कितनी ज्यादा डस्ट है। देखो पूरा जो है कितना क्लीन हो गया। मैंने इसमें थोड़ा ना गीला कपड़ा भी मार दिया था, पहले इसको डस्टिंग की थी सूखे कपड़े से, और ऊपर वाला जो रैक है वो भी बिल्कुल क्लीन हो गया। अब थी बारी कांच को साफ करने की, तो मैंने क्या किया, ये जो न्यूज़पेपर है इसको थोड़ा गीला कर दिया, और पहले इस गीले न्यूज़पेपर से इस पूरे कांच को साफ कर दूंगी। तो इस तरीके से पता है थोड़ा थोड़ा जो है मैं हर घर के हर कोने को साफ करती रहती हूँ, तो इससे क्या होता है पूरा घर भी साफ रहता है और मेरे ऊपर ज्यादा बर्डन भी नहीं पड़ता है ना। और ये देखो पूरा जो शोकेस है वो हमारा क्लीन हो गया है। और अब मैं इसमें जो सामान मैंने बाहर निकाल के रखा है, थोड़ा बेड पे भी गिरा रखा है, अब ये सामान यहाँ सेट करूंगी, लेकिन पहले सामान को भी अच्छे से पोंछ दूंगी। और यहाँ पे ये फ्लावर पॉट थे, तो इनको तो धो के ही साफ किया जाएगा, तो ये मैं इधर ले आई थी, तो इनको मैं पानी से साफ कर दूंगी। तो शोकेस पूरा क्लीन हो गया और मैंने सामानों को भी यहाँ पे सेट कर दिया है। और अब जब मैंने कहा ये स्टूल आ रखा है, तो ये स्टूल भी ना
ये सीढ़ियों में रहता है, पर तो ये रेयर ही आता है, तो मैंने कहा चलो जब ये आ रखा है, अभी झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ, तो लगे हाथ अपने फैन को भी साफ कर दूं। तो जब वो वाला फैन साफ किया था मैंने, तो मैंने कहा चलो लगे हाथ इस फैन को भी साफ कर दूं। और ये भी देखो साफ हो गया है, इसमें भी बहुत ज्यादा धूल मिट्टी हो गई थी। तो स्टूल आ रखा है, तो स्टूल का कुछ तो फायदा उठाना पड़ेगा ना। और अब मैं स्टूल रखने जा रही थी, तो मैंने कहा चलो इस फैन को भी साफ कर दूं और फिर ये स्टूल को वापस रख दूंगी। तो किचन में आ गई थी मैं, और अब मैंने ये जो छोले रखे थे बॉईल करने के लिए, देखो ये जो है चाय पत्ती का पानी इस तरीके से पोटली बनाने से इसका कलर ऐसा हो गया है, तो इसीलिए मैंने ये रखी थी पोटली इसमें। और लहसुन काट के रख दी है, और इधर तेल हो रहा है कढ़ाई पे गरम, इसमें ये जीरा डाल दूंगी। ये मैंने जो लहसुन का पेस्ट बनाया ये डाल दूंगी, और अब डाल दूंगी इसमें प्याज। और जितनी देर में ये प्याज फ्राई होता है उतनी देर में मैंने यहाँ पे पेस्ट बना के रख दिया था टमाटर का। प्याज फ्राई हो गया था, अब मैंने इसमें ये टमाटर का पेस्ट भी डाल दिया। अब मसाले ऐड कर दूंगी इसमें सारे। अब ये मसालों में सबसे पहले मैं डालूंगी मिर्च, फिर हल्दी, फिर डालूंगी उसमें ये धनिया पाउडर, और लास्ट में फिर नमक डाल दूंगी। सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं, अब थोड़ी देर मसालों को फ्राई करूंगी अच्छे से, ताकि ये मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। मसाला था जो छोलों के साथ बॉईल किया था, इसको पहले इस तरीके से मैस कर देंगे, इसको फिर मसालों में पका दूंगी। अब ये बॉईल आलू भी मैंने इसी में डाल दिया, और इसको भी इस मसाले के साथ अच्छे से पका दूंगी। अब ये जो छोले हैं इनको मैं इस तरीके से थोड़ा मैश कर दूंगी, इस तरीके से प्रेस करके, ताकि ग्रेवी अच्छी सी बने। और अब ये छोले मैंने इसमें डाल दिए हैं, अब इस पर एक उबाल आने देंगे। और अभी जितना पतला ही चाहिए, तो अभी तो इसकी पानी इसमें है, तो इसको थोड़ा अच्छे से थोड़ा सुखाऊंगी इस पानी को। तो छोले बनकर हो गए हैं तैयार, और देखो मैंने ऐसे गाढ़े रखे कि रोटियों में इसी तरीके से अच्छे लगते हैं। तो अब इच्छा है चाहे परौंठी बनाकर खाओ चाहे रोटियाँ खाओ, बच्चों के पापा जी जो हैं रोटी पसंद करते हैं, तो अब उनके लिए रोटी बनाती हूँ। तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो गया है तैयार, छोले दही और साथ में है गर्मा गर्म रोटियाँ। ये जो चाय पत्ती जो बच गई थी इसको हम फेंकेंगे नहीं, इनको हम छन्नी में रख के इसको अच्छे से धो के और फिर इसको पौधों में डाल देंगे, तो एक बहुत अच्छी खाद होती है। तो ये मैंने देखो पानी से धो दी, और इधर मैं छत से जो सुबह मैंने धूप में वो सुखाए थे फ्लावर पॉट वो भी सूख गए, तो मैं कपड़े डालने गई थी अभी, तो मैंने देखा तो ये भी सूख गए, तो मैं इनको ले आई। अब मैं इनको तो देखो ये मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं, और शोकेस पूरा भरा भरा सा अच्छा लग रहा है। तो मॉर्निंग के मेरे सारे काम हो गए थे, और अब मैंने कहा चलो मेरे पास थोड़ा सा फ्री टाइम बचा था, तो मैंने कहा चलो थोड़ी एडिटिंग कर ली जाए फाइल्स। तो मैंने जो आज अभी तक की मैंने मॉर्निंग से जो भी क्लिप बनाई ना, तो वो सारी फाइल्स मैंने इसमें अपलोड कर दी हैं। अब स्टार्ट करती हूँ एडिटिंग, तो देखते हूँ कितनी होती है मेरे से। तो थोड़ी बहुत एडिटिंग करने के बाद अब मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे बच्चों के लिए लंच बनाना है। तो मैंने कहा छोले जो थे वो मॉर्निंग के जो छोले थे वो बचे हुए थे, तो मैंने कहा चलो बच्चों के लिए बस फ्राइड राइस बना दूँ। और यहाँ पे प्याज काट के भी रख दिया है मैंने, और ये चावल थे जो वो कुकर में पहले ही बना दिए थे, अब इनको फ्राई कर दूंगी कढ़ाई में। सबसे पहले अपना जीरा, और बच्चों को फ्राइड राइस बहुत पसंद है। फ्राइड राइस बनकर हो गए तैयार, अब इस पे ढक्कन रख दूंगी, और इधर मैंने छोले जो थे वो भी गरम करके रख दिए। वो देखो आ रहा हमारा टिम्मू बैग में लिए, तो थक जाते हैं बच्चे सच में। चलो, और ये बन रही है शाम की चाय, जो जिसपे आ रहा है मस्त उबाल। ये जो लैंप जो लगवाया है ये देखो कितना अच्छा लगता है यहाँ पे ही, तो उसकी जो लाइट है वो मैं इस टाइम पे इसको जला देती हूँ, तो अच्छा लगता है सारा, एक अच्छी सी फीलिंग आती है। और यहाँ पे मैंने अब मॉर्निंग के लिए सारे नाइट डिनर वगैरह सब हो गया था, बर्तन वगैरह सब धुल गए हैं। और यहाँ पर मैंने इस मॉर्निंग के लिए बच्चों के लिए भिंडी बनानी है, तो मैंने भिंडी धो के रख दी थी, अभी इसे सुखाने रखूंगी कमरे में अभी जब तक इसका पानी निकल जाएगा टोकरी से। और यहाँ पे उनकी वाटर बॉटल वगैरह भी भर के रख दी है, तो ये सारे काम करके ही मैं सोती हूँ, मतलब अगले मॉर्निंग की प्लानिंग करके कि उनको क्या देना है उसके अकॉर्डिंग बॉटल्स वगैरह भर के अभी फ्रिज में रख दूंगी मैं। और यहाँ पे दही वगैरह भी जब जम गई है,
तो बस मैंने का ब्लॉग को भी एंड करती हूँ। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।